अकाल तख्त साहब से बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, भर रहे हैं। सो मैं पर निश्चय नाल कहण नूं तैयार है कि अठां सालां विच, अठवां साल मैनूं होया दस्तारबंदी होई नूं, अठां सालां विच किसे कांग्रसी एम एल ए दे घरों, किसे अकाली एम एल ए दे घरों, किसे कामरेड एम एल ए दे घरों, किसे सोशलिस्ट एम एल ए दे घरों दास नूं किसे ने फिके पाणी दी वी घुट इक पींदिआं होइआं मैनूं किसे ने वेख्या जां फड़िआ, ते मैं अपने सिर वढाउण नूं तैयार हां। हाँ, जनता दे घरों चाहे कोई कांग्रसी है चाहे अकाली है, वह मैं लंगर छकदा, क्योंकि मेरे को जिहड़ा आया मैं उन्हें अमृत छकाउणा, गुरु दे लड़ लाउणा, यह मेरा काम है। सो इहदा फैसला संगत गुरु की आप करो। बाकी जो हो गुलामी दीआं निशानियां, भाई जंगीर सिंह, पिता का नाम तारा सिंह, पिंड इटां वाली, दास नाल संबंधित से, उन्हूं पकड़िया गया, ना तो घरों तो कोई कारतूस मिले, ना कोई राइफल, ना कोई बंदा फड़िया गया, केवल यह शक विच फड़िया कि पिंडां वालिआं दा बंदा है। उहदा पट चीर के लूण नाल भरिया गया ते उपर पट्टी बधी गई कि हिंदुस्तान दे किसे हिंदू दे बधी है ते कोई दसे, यह गुलामी दी निशानी है। सो भाई जसवीर सिंह पिंड चुप कीते, तहसील मोगा, जिला फरीदकोट, उहनूं उह ग्रंथी है ते गरीब सिखां दे घर जम्मिआ जिथे चों पढ़िआ, उहनूं पकड़िया गया, उहनूं कहा गया कि तेरे कोल अतवादी आउंदे, कहिंदा मेरे कोल है ते कोई फड़ लवो। कोई बंदा उहदे कोलों नहीं फड़िया गया, उहदे मूँह विच उहदा नाम है श्याम सुंदर, हिंदू दा सिपाही है, होर बाकी पुलिस वाले हिंदू नाल लै के उहदे मूँह च तंबाकू भोरिया, उहदे मूँह च थुकिया ते उहदी कृपान लाई गई। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦਾ ਹੱਡ ਕਦੇ 36 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬੰਦ ਦਾ ਸੀ। 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ पवन कुमार के संबंध में हिंदू सुरक्षा समिति ने बंद की कॉल दी, जिसके संबंध में साहब श्री गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह की फोटो वड़ी गई, हरिमंदर साहब का मॉडल जो बना के रेलवे स्टेशन पर लाया से वह तोड़िया गया, सिखां दीआं दुकानां साड़ियां गई। 14 तो लैके अज 21 तरीक है, शायद कहने के बाई है, अज 22 तारीख तक हरियाणे दे विच जो दुर्दशा सिखां दी होई है वह तुहानू तां दूर बैठा सिखां नू घट पता है, तो मेरे कोल इत्थे सिख पहुंचे है, एक दोवां दे तुहानू मैं नाम भी देवांगा। भाई बख्शीश सिंह पिंड मुरादपुरा सर्कल तरन तारन, श्रोमणी अकाली दल का प्रचारक सकत्तर, आ मेरे कोल बजुर्ग बैठे है, इन्हां दी उम्र दा, उहदी दाढ़ी ते सिर मुन के उन्होंने कल मेरे को लौंगोवाल को भेज दिता, अखियों सारी संगत ने वेखे। मुरादपुरे पिंड का श्रोमणी अकाली दल का प्रचारक सकत्तर है सर्कल तरन तारण का, एक कला पिंड तरन तारण साहब के लागे, उतों का प्रेमी से उहदी दाढ़ी नूं अग ला के साड़िया गया ते उहदे केस कैंची नाल कट्टे गए। भाई बख्शीश सिंह दे बोधी छड्डी गई, बाकी सारा मुन दिता गया। बख्शीश सिंह दे दसण द्वारा है कि कुछ सिंघां नूं पकड़ के ते छप्पड़ च लम्मियां पा के तीन तीन हिंदू उन्हां दे उपर खड़ो गए, पानी च डुबो के सिख मारे। कैंथल दा जथेदार मेरे कोल आया से, अज ही सवेरे गया, 22 तरीक वाले दिन कल 21 रात नूं आया से। सो उत्थे दो गुरद्वारे बाबा हरबंस सिंह जी कार सेवा वाले महापुरख ने बनाए है, एक शहर विच से समाध शहीदां दी याद विच बनी हुई। सो उह वड्डे गुरद्वारिआं दी संभाल तां पेंडू सिंघां ने आके कीती, तो जिहड़े शहर विच सिख रहिंदे सी उह जरा कमजोरी विखाई, तो उत्थे दो सरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 19 जां 20 तारीख वाले दिन उह समाध विचों कढ के ते कैंथल जिहड़ा वड्डा चौंक है उहदे विच लिजा के हिंदुआं समेत पुलिस दे सहायता नाल ते उह दोहां सरूपां नूं अग ला के लोकां दे सामने साड़िया। ते हुण सिख वेख लो इन्नी गुलामी कबूल करनी है जां नहीं, मैथों तां होणी नहीं, जो गुरु साहब बल बख्शेगा उहदे आधार ते मैं चलांगा ते हक जरूर लवांगा जे महाराज ने शक्ति दित्ती। जिन्हां पुलिस वालिआं ने शहीदां दा खून पीता
धियां की इज्जत लुटी है, लड़कियां सिखणियां की बेपति की है, मासूमां नूं मारिया है। गुरु साहब ने कृपा की है, कुछ का बदला गुरु के किसी लाला ने लिया है, तो जेडे बाकी रेंदे है जे गुरु साहब ने कृपा की तो मैं तो बदला जरूर लवांगा। इहदा वजाना जो भी मैं चुकाउणा पिया वह मैं चुकावांगा। निर्दोषे ते वार करदा नहीं, तो शहीदां ने कातल ना लिहाज मैथों होना नहीं। ये संगत जाने तो चाहे गौरमेंट जाने। बाकी जो ये प्रापेगंडा मैं पता लगा कुछ सज्जणां तों, मंड साहब भी मेरे कोल बैठे है, इन्हां नाल कई वारी विचारां होईयां बड़ियां प्रेम दे नाल, ते कुछ प्रेमियां तों मैनूं पता लगा कि मेरे नां दे उपर बाहर अनेक प्रकार का प्रापेगंडा किया जा रहा है, लोगों विच नफरत पैदा करन वास्ते। ते प्रचार मैं टेप विच टैलीविजन ते भर दिता है, ये हुण तुसीं सुण लो। वी मैं नहीं कुछ कहिंदा, मैं कही है जे मेरे मूँह मैं पूछना चाहोगे तो मैं तो यही कहाँगा, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, मेरे वर्गा तो लुच्चा तो भैड़ा कोई नहीं, तुहाडे गुरु की संगत वर्गा कोई चंगा नहीं। पर यह निर्णय ये तुसां करना आप भी, मैं की है, मैं तो एक पंत तत्तां दा मिट्टी का भरिया होया, गंदगी का भरिया कपूतला। पर एक गल जरूर बाहर के सिखा को पुछागा कि किसी भी अखबार में विदेशों में बैठे किसी भी सिख ने, मर्द ने, बीबिया ने, बच्चों ने कदे किसी अखबार च पढ़िया कि मैं शहीदी फंड कोई खोलिया? कोई सबूत है तो दो। श्रोमणी अकाली दल के नाँ पर फोटो अखबार छप के आदि शहीदी फंड दियाँ, श्रोमणी अकाली दल के नाम से छप के आदि शहीदी फंड दियाँ। बाकी अखंड कीर्तन जत्थे वालों भी शहीदी फंड खोले है। कोई हिंदुस्तान का तो विदेश बैठा सिख दसी ने मेरे नाते शहीदी फंड खुला वेख्या। 300 सिंघां ते मुकदमे चलते हैं, तो 2.5 किले जमीन के दास को भी कवर पुट के संघा ने बनाए, गंढे गुंडे ला लेंगे, 2 महीने चने गंढे संगत लग जाते, मैं इन्ना खर्च है। 300 सिंघां उत्ते मुकदमे, 300 मुकदमे नहीं, 300 सिंघां उत्ते ते एक मुकदमे भी कई प्रेमियां 3, 5, 7, 7, 12, 13, 13 ताम सिंघां ते है। तो इन्ने मुकदमे 25 सिंघां दे मुकदमे लड़दे श्रोमणी अकाली दल तो श्रोमणी कमेटी सिद्ध कर दौ, तो मैं बाहर विदेशों में बैठे सिखों का देणदार होवांगा। 275 सिंघां दे मुकदमे दसो कौन लड़दा? ये मैं नहीं कहिंदा मैं लड़दा, यह तो गुरु जाने ते जां जिन्होंने मुकदमे लड़े जा रहे उन्होंने पूछ लियो। बाकी मेरे को विदेश बैठे कई सिखां ने पूछा कई वेर, एक दो ने नहीं सैकड़े सिखां दियां मिसालां मेरे को, संत जी जे असीं शहीदां की सेवा करनी हो शहीदां के परिवारों की किवें करिए, यह भाई तुहाडा अपना फर्ज है मेरा नहीं, राह तैनूं दस दिंदा जिहड़ा चंगा लगा वह मंजूर कर लियो। सब तो पहला राह तो शहीदां की सेवा करन दा यह है कि जे संगत बाहरले देशां की माया इकट्ठी करे वह करके तो तुसीं आप लैके आवो, मैं इत्थों एक कार ते एक अपना ड्राइवर वो तुहानूं दे देंगा, शहीदां के घरां विच तुहानूं आप लैके जाएगा, जिन्ना जिन्ना तुसीं खर्चा उन्होंने देना चाहोगे वह आप दे लियो। सब तो पहला राह तो यह है। दूजा जे ये नहीं कर सकते तो शहीदों के सिर ना भी मैं सारे दे सकता, वो तुसी लै जाओ तो सीधे शहीदों को ड्राफ्ट भेजो, किसी तरह रो ना। तीजा राह है जे जथे ते यकीन होवे तो जथे नूं भेजना चाहोगे अपनी मर्जी ने, मेरे वालों मंग कोई नहीं तुहाडे कोल माया दी, आप भेजना चाहोगे भेज दो, नहीं भेजना चाहोगे तो मंग कोई नहीं। मंग तो मैं केवल हाँ तो केवल गुरु ग्रंथ साहब का, तो समुचे तौर पर संगत विच तो संगत का मंगता हाँ। पर जे कोई अमीर तो धनी कोई रजवाड़ा कहे कि तू एक बार मैंने सलूट मार दे, तेन 1,00,000 रुपया दे देंगा, जुत्ती तो चढ़वा लाँगा, सलूट नहीं मारागा, संगत रूप में अपना सिर भी संगत से जोड़िया पर रख जाऊँगा। यदा फैसला हुण पूरी संगत करो तो गुरु की संगत जाणो। बाकी बाहर विदेशों में बैठे सिखां दा मैं अपने वालों तो अपने जथे वालों बहुत धन्यवादी हैं। तो सा मैकी तौर पर शरीरक तौर पर भी जथे भेज के कनेडा इंग्लैंड अमरीका पंथ के इस संघर्ष में हिस्सा पाया, बहुत ही ज़्यादा धन्यवादी है। बाकी ये जरूर बेनती करांगा कृपान कैंची ते पछने का जिहड़ा अंतर है ये सिखां नूं अपने दिलों में वसाउणा चाहिए है, ते जिहड़ा प्रापेगंडा सरकारां वल्लों कीता जा रहा है कि सिख हिंदुआं दा एक अंग है, मैं बिल्कुल इहदे उल्ट हां, चाहे कोई सिख मेरे नाल राजी रहे चाहे गुस्से रहे, मुढ़ सिख है, बाकी टहणी टहणियां ते